नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। ननिहालों ने पत्थर पर उकेरी अद्भुत कलाकृतियां, पत्थर पर पेंटिंग कर अपने प्रतिभा का मनवाया लोहा। सहायक अध्यापिका ने बदल दी प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर। प्रधानाध्यापक ने माना यहां बन रहा है बच्चों का उज्ज्वल भविष्य। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से। प्राथमिक विद्यालय अलावलपुर हनुमानगंज पर स्टोन पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों ने अपनी पेंटिंग के माध्यम से पत्थर के टुकड़े पर कई कलाकृतियां बिखेरी। विद्यालय के विद्यार्थियों ने अपनी पेंटिंग के माध्यम से पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, मजदूर किसान, औरत, आदमी, जल स्रोत व विभिन्न प्रकार के प्राणियों के चित्र पत्थर पर बनाकर मन मोह लिया, जिसे आप तस्वीर में देख सकते हैं। और इस बात पर गर्व करते हैं कि कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो लगन व मेहनत से प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर बदल रहे हैं। अलावलपुर प्राथमिक विद्यालय पर इस प्रतियोगिता का आयोजन सहायक अध्यापिका अंजलि तोमर के कुशल निर्देशन में हुआ। सबसे पहले अंजलि तोमर ने सभी बच्चों को यह समझाया कि स्टोन पेंटिंग कैसे की जाती है। फिर सभी बच्चों ने खुद स्टोन पेंटिंग किए। सभी बच्चों की पेंटिंग देखकर कहीं से यह प्रतीत नहीं हो रहा है यह पेंटिंग ननिहालों द्वारा बनाई गई है। बच्चों ने यह साबित कर दिया कि अगर कुम्हार दक्ष हो तो उसके द्वारा बर्तन भी अच्छे होंगे। स्टोन पेंटिंग में बच्चे बड़ी तल्लीनता से लगे रहे। शिक्षा के साथ साथ कला भी बहुत जरूरी है ताकि बच्चों के अंदर बहुमुखी प्रतिभा का उभार हो सके। मैं अंजलि तोमर, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय अलावलपुर पर कार्यरत हूँ। आज मैंने बच्चों को स्टोन पेंटिंग के बारे में बताया है और ये रोड वगैरह पे खाली पड़ी होती है गिट्टियां वगैरह, इसके थ्रू पेंटिंग करना बताया है ताकि इससे बच्चों को ऐसा भी नहीं कि कोई खास सामान चाहिएगा जरूरत के लिए, और बच्चे उत्सुकता के साथ बनाते भी है क्योंकि उन्हें ये चीजें खरीदनी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ गिट्टी लानी है और रंगों वाटर कलर के माध्यम से ये अलग अलग तरह की पेंटिंग बच्चों ने आज बच्चों के साथ मिलकर, मतलब साथ में हम सब ने मिलकर बनाई है, जिसमें बच्चों ने काफी इंजॉय किया है। और इस तरह की एक्टिविटी से बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है पढ़ाई में, और हमेशा सिर्फ उन्हें किताबों के माध्यम से पढ़ाने से ही थोड़ा बोरियत महसूस करने लगते हैं, तो कभी कभी डिफरेंट तरीके से पढ़ाने से उन्हें काफ़ी उनका इंटरेस्ट आता है और थोड़ा स्कूल के प्रति उनका भाव जागता है कि हमें स्कूल प्रतिदिन जाए कि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा स्कूल में। डेली एक ही चीज़ करते करते बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, तो बच्चे इसके माध्यम से बच्चे स्कूल में आना भी पसंद करते हैं और खुश होकर बच्चे इन एक्टिविटी में भाग भी लेते हैं। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रदीप कुमार यादव ने सभी बच्चों की प्रतिभा को सराहा। कहा, पत्थर के टुकड़ों पर अद्भुत मानचित्र के माध्यम से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। प्रधानाध्यापक ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए बलिया से आसिफ खान की रिपोर्ट। Thank you.